आज ये व्लॉग होटल पे ख़त्म हुआ था, होटल के बाहर से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग आज बहुत सही जगह पे जा रहे हैं ट्रैक करने, बहुत खूबसूरत जगह है जैसे हमने फ़ोटोज़ में देखा है। सो लेट जस्ट शो यू। और आज हमारे साथ वही पुराने लोग। एक्साइटेड हो जाने के लिए जय? अरे बहुत, देखो ये मेरा बैकपैक। जय का बैकपैक कितना क्यूट है। ये है जय, वेरी क्यूट बैग। संजना ऐसा लग रहा है गाड़ी में चल रहा है। कैसा लग रहा है आपको आज? आप काफी ट्रैक करने वाले हैं। यस वी आर ट्रैकिंग टुडे। यस क्या थॉट है, क्या है आप? यस वी आर रेडी टू टीम बच्चों के साथ। दैट्स अ चैलेंज बट वी आर एक्साइटेड टू गेट फोटोज, न्यू फोटोज। यस यस हम लोग आज यू चेक आउट यहां से। और गुड, आज जय भाई ने एक जगह ढूंढी है, हाइक करनी है, देखते हैं। चलो गाइस लेट्स सी। और ये और सबसे खास जगह है उसका पानी, पानी का कलर देखिएगा, पानी का कलर और पत्थरों की शेप। बट ये जो छोटा सा टाउन है ना, ये थोड़ा उदास सा टाउन है। तो जो इस जगह का नाम क्या है, तो इस जगह का नाम है जी, इस टाउन का नाम है मू, और इस कम्युनिटी का नाम है राना, तो इसको बोलते हैं मू ई राना। तो मैंने जितना अपना पहला अच्छा एयरबीएनबी भी कराया था, 10 पॉइंट हुए थे, इसके कारण 0 हो गए। मैंने ये पता क्यों करा बुक, मेरे को लगा बेस्ट वेस्टर्न है तो अच्छे होंगे होटल्स, बट ये पता लगा इन्होंने जुगाड़बाजी करी है। श्योर होटल बाय बेस्ट वेस्टर्न। चलो एक रात ही था यहाँ पे, होपफुली आगे का मैंने प्लान किया। मेरे कंधों पे बहुत ज्यादा वो है प्रेशर। सो ट्रैक पे जाने से पहले हमने एक ये यहाँ पे स्टॉप लिया है, बहुत ही सुंदर जगह। दोस्तों तो ये जो सिटी है मू ई राना की, इसके बारे में हमारे जो आज मित्र हैं जय पटेल जी, वो बताएंगे कि भाई क्या है। भाई ऐसी दो चीजें बताओ सिटी के बारे में जो फेमस है। देखो सिटी का नाम तो मू ई राना है। हाँ जी। और ये आर्कटिक सर्कल सिटी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है। ओके। और एक विशेषता है यहाँ पे, ये देखो ये स्टैचू। हाँ जी, ये 11 मीटर का स्टैचू है ऑफ कोर्स, और 60 टन उसका वजन है। हाँ जी। और देखो यहाँ के कबूतरों ने उसको कैसे नहलाया हुआ है। अच्छा, ये पेंट नहीं हुआ, मतलब ये कबूतरों की कारगानी है, नेचर एट इट्स बेस्ट। ठीक है, तो भाई एक तो ये स्टैचू है, गुजरात में भी एक अपना स्टैचू है। वो तो ये तो कुछ भी नहीं है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है। ओके, जरूर गुजरात भी देखने जाइए, और यहाँ आएंगे तो हम आपको लेके आएंगे। हाँ जी हाँ जी, कॉन्टेक्ट करना आपने हमें अगर आपने कभी नॉर्वे का ट्रिप बनाना हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी हाव्समानन, और ये सिटी को नहीं देख रहा है, वो फ्योर्ड को देख रहा है। ठीक है, तो ये है जी। और आर्कटिक सर्कल के बारे में तो बताई दिया। अब आर्कटिक सर्कल से की सिटी से ऊपर जब आप जाते हैं, वहाँ पे मिडनाइट सन जो है वो ज़्यादा दिखता है, जो कि आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर एंजॉय कीजिए। क्या तो देखते रहिए नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे, और खाते रहिए गुजराती खाना। अभी तो ढोकले बनेंगे। हाँ जी, चलिए डायरेक्टर साहब से बात कर लेते हैं। हाँ, तो शैलजा कैसा रहा अभी तक का ट्रिप? मैं तो देखोगे पूरे ट्रिप में चश्मे की व्यूज बहुत अच्छा है, तो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। बिना स्पेक्स के मुझे थोड़ा इतना सही नहीं दिखता। Exactly. बहुत सही जा रहा है, थोड़ा टायरिंग भी है विद
किड्स. अभी तक तो पहुंचे ही नहीं है हम. प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम अपनी असली लोकेशन पे तो पहुंचे ही नहीं है. बस सही है, सब लोग हैं साथ में तो इट्स गुड. आई थिंक इट्स स्टिल गोइंग ऑन. या एंड इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, आई मीन इट्स अबाउट द जर्नी. जर्नी, यस. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. चलिए बढ़िया है. मौसम बहुत सही है पर आगे बारिश दिखा रहा है तो वो थोड़ा स्कूल लग रहा है. नहीं, बारिश नहीं, मैंने चेक करा, क्लाउडी है. लोफोटन में क्लाउडी है. बट चलो कोई नहीं दोस्तों, यही जिंदगी है, कैसा भी माहौल हो खुश रहने का. चलिए फिर अब हम जा रहे हैं इसके बाद एक हाइक पे. सी यू देयर. ये है दोस्तों साल्ट फियलेट नेशनल पार्क. नोबडी विल ईट मी. तो भाइयो, ये तो जी छोटा सा ट्रैक है 20 मिनट का एक साइड. ओके, वो करने वाले हैं हम. यस, तो भाई छोटा सा एक ट्रैक है वो करने वाले हैं हम. वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है. ये नेशनल पार्क है और यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है, इसलिए हम ड्रोन के शॉट्स यहाँ नहीं ले पाएंगे. बट इस कैमरे से जितना कैप्चर हो पाएगा वो खूबसूरती आपको दिखाएंगे. ओके, स्टे ट्यून्ड. जंगल बहुत घना है और मैंने तो अपने जिम के कपड़े पहने हैं बिकॉज मेरे को पता था मधुमक्खी खा सकती है. बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एवा और उसकी मम्मी, ये लोग नहीं पहन के आए, थोड़े आप उसे ढंग के ये शॉर्ट्स नहीं है, सो इट कैन बी डेंजरस. चलिए थोड़ी सी विशेष बात है कि ये लोग हाइकिंग को बहुत सीरियस मानते हैं और जनरली इनके जो हाइकिंग रूट्स होंगे वो वेल मेंटेन्ड होते हैं. साथ ही साथ में ये लोग जो हैं थोड़े से डायरेक्शंस भी आपको देंगे जिससे कि पीपल डोंट गेट लॉस्ट. स्ट्रगल तगड़ी है यहाँ पे. ये ऐसे लग रहा है अमेजन के फॉरेस्ट में आ गए हैं. घने जंगल, गर्मी 28 डिग्री और तीखी धूप. बट स्टिल आप लोगों के लिए नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे जान पे बाजी खेलते हुए दिखा रहा है. और ये दूर दिख रहे हैं अपने गुजराती भाई. जय भाई जी, ढोकला मास्टर भी कहूंगा मैंने. हेलो मिस्टर. ओए ये तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. चलिए कोई नहीं, जय भाई डिलीट कर देंगे, टेंशन नहीं लो. बट ये शैलजा डिसाइड करती है. ये देखिए माँ का फर्ज निभाते हुए शैलजा अपनी बच्ची को. यस, खाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए कितने हाइकिंग फ्रेंडली है. हम जा रहे हैं मारमुर श्लोकतत. तो लोगों ने ना यहाँ पे अगर आपको देखिए कुछ ये लिखो लिखा हुआ है. सरप्राइजिंग बात यह है कि ये एवा का जो है जी पहला हाइक है. तो देखते हैं, अभी तक तो इसको गोदी या पिट्ठी में उठाया नहीं है. मैं उससे दूरी चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को देख के लड़की थोड़ी नाजुक बनने की कोशिश करती है, बल्कि वो है नहीं. सो इसीलिए देखते हैं क्या एवा पूरा कर पाएगी ये ट्रैक. देखिए दोस्तों, जानिए एंड तक. और एंड का जो व्यू है उस जगह का बहुत ही सुंदर है. सो स्टे ट्यून्ड, सी यू. मच्छर भयंकर है ना. पूरा पूरा लाइफ में इतने मच्छर नहीं काटे जितने आज के दिन काट लिए. सही बात है दोस्तों. ये देखिए, आवाज सुनिए, पानी दिखाते हैं आपको भी नजदीक जाके. अब ड्रोन तो है नहीं जैसे मैंने बताया, बट दूर से ही शॉट दिखाऊंगा आपको. ठीक है, नजदीक जाते हैं. चलिए, रिस्की है रास्ता. देखिए ये ऐसे करके आपको पकड़ के यहाँ पे जस्ट गो डाउन दिस वे. तो अगला शॉट अब वहीं का दिखाऊंगा आपको. ठीक है, वीडियो के चक्कर में अपनी जान नहीं गवाऊंगा. सो आई विल बी केयरफुल. मैं यहाँ बंद करता हूँ, अगला शॉट दिखाऊंगा.
भाइयों, ट्रैक जो हमने किया छोटा सा हाइक नॉट ट्रैक वो ख़त्म हो गया है। बहुत ही अच्छा था, होपफुली आपको भी ये अच्छा लगा होगा। और ख़ास बात तो ये थी बिसाइड दिस सीनिक ब्यूटी कि एवा कैपरेट जी का ये है पहला ट्रैक और अच्छी हिम्मत दिखाई उन्होंने। तो वेलकम करते हैं एवा कैपरेट जी का, दिख रही है कहीं? एवा कैपरेट जी का वेलकम कीजिए। कैसा लग रहा है एवा, कैसा लग रहा है? आवर फर्स्ट हाइक, पहला हाइक है एवा का। एवा कैसा रहा? हाउ वाज इट अबू? गुड जॉब। शी इज अबू बैड? गुड की बैड? अच्छा था कि गंदा था बताओ? अच्छा। ये अच्छा था। शी इज द चैंपियन गर्ल। आई गॉट यू। यू गॉट मी। आई गॉट यू। हु आर यू? साढ़े नौ बज चुके हैं रात के और हम हमारे पीछे जो है ये है जी आर्कटिक सर्कल सेंटर। तो जो आर्कटिक सर्कल है वो यहाँ से पास होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है, अब जो है मिडनाइट सन की जो चांसेस है देखने के वो ज़्यादा होंगे। और हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं आर्कटिक सर्कल को, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ लिखिए। ये हमारा तीसरा दिन है व्लॉग का, रोड ट्रिप पे चले हैं। अभी तक हमने 1100 किलोमीटर कवर कर दिया है और जो हमारी अंतिम क्या बोलेंगे कि डेस्टिनेशन है वो अभी भी 3 दिन और दूर है। तो 2 दिन अब हम रुकेंगे, बट चलिए सस्पेंस बना रहेगा, फॉलो अस। एग्जैक्ट टाइम 11:18 हुए हैं और अब हम एंट्री मार रहे हैं बुद्ध कम्युने में। आई होप मैंने सही बोला ये वर्ड, ठीक है। तो आप नज़ारे देखिए,